अब भाई फाइनली हम जो है लेंस डाउन में आ चुके हैं। और बाहर की तरफ लेफ्ट में देखे बादल, थोड़ा चलते हैं बादल आ जाते हैं, फिर थोड़ा चलते हैं बादल हट जाते हैं। भाई साक्षात स्वर्ग के दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे, बिल्कुल स्वर्ग। अब हम आ चुके हैं टिप एंड टॉप पॉइंट के पास, और ये इसको आप वैली ऑफ फ्लावर भी कह सकते हो। तो फाइनली अब चलते हैं टिप एंड टॉप पॉइंट के लिए, जिसकी एंट्री है 20 रुपये। हम इतने ऊपर है, देखो दिखाने की कोशिश करूंगा, यहाँ से नीचे की तरफ देखिए आप, अगर दिखाई दे रही हो आपको सड़क, वो नीचे की तरफ अगर दूरी नापू तो यहाँ से नीचे वो लगभग लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर नीचे है। आप समझ लो कितनी ऊंचाई पे हम हैं। और भाई हाँ, और जो बादल है वो हमारे ऊपर बरस रहे हैं, उनकी छींटे हमारे ऊपर आ रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे भगवान ने, गॉड ने हमारा स्वागत किया यहाँ आने पर। यहीं पर आपके लिए खाने के लिए रेस्टोरेंट बने हुए हैं, अनेकों सेल्फी पॉइंट है। तो फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं उस पॉइंट पे जो कि लेंस डाउन का बहुत फेमस पॉइंट है, टिप एंड टॉप पॉइंट। यहाँ से जो है पूरा नीचे व्यू दिखाई देता है, नीचे खाई का पूरा और हिल्स का घर का। अभी तो फिलहाल सारे में बादल छाए हुए हैं, अदरवाइज इसके पीछे पहाड़ी, पहाड़ी के पीछे पहाड़ी, पूरा बहुत बढ़िया नज़ारा दिखाई देता है यहाँ से। ये देखिए कितना हार्डवर्क किया हो भाई ने, जस्ट लाइक स्टैचू। तो फाइनली अब हम जो है टिप एंड टॉप पॉइंट के बाद पहुंच चुके हैं, इससे लगभग 700 मीटर आगे है संतोषी माता मंदिर। अब चलते हैं वहां के लिए, लेकिन उससे पहले मैं ये पेड़ दिखाना चाहता हूं आपको। ये पेड़ देखे भाई, इस पेड़ में से भी कितने सारे पेड़ निकले हुए हैं, ऊपर देखो शाखाएं, वाह। भाई ये देखो लेंस डाउन, यहाँ पर पुराने समय में जो है जो अंग्रेज थे वो रहते थे। कितनी पुरानी बिल्डिंग है देखिए, अब तो एक खंडर नुमा हो चुकी है, बिल्कुल ही हेरिटेज है ये।
संतोषी माता मंदिर में आप सभी भक्तजनों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागतम। जय माता दी। ज्योतिया वाली माता तेरी सदा ही जय। अब आ चुके हैं हम ऊपर मंदिर के मुख्य द्वार पर, चलते हैं मंदिर के अंदर। जय माता दी। ये भाई माता रानी के दर्शन कीजिए अपने मोबाइल से, क्योंकि अंधेरा है यहाँ काफी, तो अपने मोबाइल से आपको दर्शन कराना चाहता हूँ। बोल सच्चे दरबार की जय। तो जैसे कि अब हम संतोषी माता के दर्शन के लिए आए थे ऊपर, अभी अंदर लाइट बंद है, शाम का समय हो चुका है और मंदिर के मुख्य द्वार पर ही महावीर विक्रम बजरंगी जी जो है वो विराजमान है। ये उनकी चरण पादुका है। जय बजरंगबली की। और माँ संतोषी जो है हिंदू मान्यताओं के अनुसार जो है एक देवी है, और जिनका जो है शुक्रवार को व्रत किया जाता है। संतोषी माता जिनके पिताजी का नाम गणेश जी भगवान है और इनकी माता का नाम रिद्धि सिद्धि है। तो भाई रिद्धि सिद्धि और गणेश जी के बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो कहते हैं कि धान्य सोना चांदी मूंगा रत्नों और ज्ञान से पूरा भरा हुआ परिवार जो है वो माँ संतोषी का है। और भी यहाँ की जो है अनेकों मान्यता है इस मंदिर की कि यहाँ पर आओ और जो भी आप मन्नत मांगोगे आपकी वो अवश्य पूरी होगी। माँ संतोष जी के मैंने बताया आपको शुक्रवार को व्रत रखे जाते हैं। भाई बड़ा ही शांति वाले माहौल में जो मंदिर बना हुआ है यहाँ, आप यहाँ पर बैठकर एक घंटा दो घंटा तीन घंटा जो है आराम से व्यतीत कर सकते हैं और ध्यान लगा सकते हैं। साधना का बहुत अच्छा केंद्र है ये। तो फाइनली अब माँ संतोष जी के दर्शन करके हम आ चुके हैं नीचे। जय। और अब हम माँ संतोषी के मंदिर से आए हैं सीधे वापस। ये है यहाँ का बना हुआ चर्च। तो ये यहाँ के लोकल अब पॉइंट्स है, जैसे लैंसडाउन में आप कभी भी आओ तो ये चार पांच जगह है, ये मिस ना करें। यहाँ घूमना है, अपने बच्चों के साथ आए, सब चीज़ दिखाए भाई चर्च में क्या होता है, क्या कल्चर चर्च का, मंदिर का क्या कल्चर है, तो सब दिखाया जाता है। चलते हैं भाई चर्च के अंदर। थर्टी बेंगोली इन्फेंट्री द गढ़वाल राइफल्स। देखिए उस टाइम की जो रानी थी। ये चर्च की फोटो है।
तो ये देखे लोगों ने अपनी विश मांग मांग के जो है इसमें सिक्के छोड़े हुए हैं, अपनी विश मांगते हैं और अंदर एक सिक्का छोड़ देते हैं। वाह। नमस्कार दोस्तों, मैं मलिक यारों का यार नीरज मलिक, अब लाया हूँ आपके लिए लेंस डाउन पार्ट टू। जैसे कि कल की जर्नी में मैंने आपको दिखाया था कि कैसे सिद्धवली मंदिर से जो है और लेंस डाउन का जो सफ़र था कितना बढ़िया रास्ता था। अब सुबह का टाइम हो गया है, पहला नाश्ता करेंगे, उसके बाद मैं जिस होटल में रुका था वो काफ़ी बढ़िया होटल था, उसके बारे में थोड़ा आपको बताऊँगा। और हाँ, रात को ही हमारी जो सिस्टर है उनकी फैमिली जो है, ये देखे ये हमारी सिस्टर है, ये जिया जी है, ये भांजी और ये भांजा, ये चारों भी यहाँ पर आ गए, कह रहे हमारी छुट्टी है, हम भी आ रहे हैं आपको ज्वाइन करेंगे। तो भाई जो है इस सफ़र का जो है मज़ा जो है वो हमारा दोगुना हो गया। रात को काफ़ी इंजॉय किया हमने, अब इंजॉय करने के बाद जो है रात को खाना भी खाया, खूब देर तक बातें करते रहे, रात के 12 बज गए, पता नहीं लगा कि कैसे समय बीत गया। अरे हाय हेलो करो बच्चों, हाय हेलो कुछ करें। तो भाई यहाँ पर ही है ये जगह है जो है, यहाँ की ये कह लो लेंस डाउन की छोटी सी मार्केट है, माल रोड कह लो इसको यहाँ की। और कितना बढ़िया मौसम हो गया जी, हाँ, है बहुत सुंदर, धूप खिली हुई है, बहुत सुंदर, ऐसा है जैसे दिसंबर में धूप खिलती है। हाँ बिल्कुल बढ़िया भाई, अब चलते हैं भाई। देखो रहा नहीं जा रहा, नाश्ते का टाइम हो गया है, तारीख हो गई आज 15 सितंबर 2024, अब रहा जा रहा, नाश्ते का टाइम हो गया है, भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, तो चलते हैं मयूर रेस्टोरेंट में जो कि यहीं पे जो माल रोड पे स्थित है। और इसका जो है यहाँ पे आपको रुकने के लिए भी आपको रूम मिल जाएंगे, अगर आप रुकना चाहते हो तो यहाँ रुक सकते हैं, अदरवाइज खाना तो यहाँ का लाजवाब है। और समोसा जरूर ट्राई करना भाई एक बार। अब चलते हैं नाश्ते के लिए, चलो आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनके यहाँ का सीटिंग अरेंजमेंट कितना अच्छा है, ये देखिए अगर लगभग 5 से 6 फैमिली जो है यहाँ पर आराम से जो है डिनर ब्रेकफास्ट लंच वगैरह आराम से कर सकती है। और बिल्कुल साफ सफाई का ध्यान रखते हैं यहाँ पे, देखिए बिल्कुल हाइजीनिक है। और ये हमारी फैमिली जो है पूरी ब्रेकफास्ट के लिए बैठ गई है टेबल पर। कैसा है जी टेस्ट है? और भाई ये देखो बच्चों के लिए मंगाया हमने छोले भटूरे, भटूरे नहीं है तो भटूरा है भाई, इसलिए कहते हैं छोला भटूरा, इसके मुंह से भी बड़ा भटूरा है, इसके मुंह से बड़ा है ये भटूरा। और बच्चों के लिए स्वीट लस्सी, किसके मुंह से बड़ा, किसके लिए किसके मुंह से बड़ा, पूरा आना मेरा भाई ब्रेकफास्ट में, पराठे भी एक नंबर के बिल्कुल ताजे फ्रेश है और हर आइटम जो है बिल्कुल फ्रेश मिलेगा। अब ब्रेकफास्ट करते हैं और उसके बाद चलते हैं फिर जो है उस मयूर रेस्टोरेंट में जो है नाश्ता करके वापस इस माल रोड आ चुके हैं और ऊपर उस होटल से यहाँ पर जबरदस्त व्यू है चारों तरफ का देखो। और भाई ब्रेकफास्ट इतना बढ़िया साफ सुथरा आनंद आ गया पूरा। तो कभी भी आओ आप लेंस डाउन घूमने के लिए तो आपको रिकमेंड करता हूँ कि नाश्ता ब्रेक खाना वाना जो भी खाना चाहते हो आप, ये मयूर प्योर वेज है, यहीं पर करें। अब चलते हैं कुछ सामान खरीदते हैं और उसके बाद चलते हैं आगे भाई। अब जैसे नाश्ता करके चले तो वहीं पर जो है जो यहाँ की सब्जी है लोकल वो बिक रही थी, तो सोचा क्यों ना घर के लिए ले चले। तो ये देखो सबके हाथ में कुछ ना कुछ मिलेगा आपको, ये देखो बच्चे भी सब्जी का आनंद लेते हुए लेके आते हुए, देखो बोलो बच्चों सब्जी ले लो, आलू टिंडे लो कभी लो, आलू टिंडे लो कभी लो, आलू टिंडे लो कभी लो, बर्गर का बन लो, ऐसा कुछ नहीं दे रहा तुम्हें, तो भाई कहीं भी घूमने जाते हो
तो सबसे पहले तो भाई आपको रहने के लिए, तो रहने के लिए मैंने बताया आपको कि बहुत कम ऑप्शन है, लिमिटेड ऑप्शन है। तो हम रुके थे रात को, ये हमारे राइट साइड में है होटल लेंस ब्लू, नींबू है ना ये, इसी में रुके थे भाई। बहुत ही बढ़िया होटल है, बिल्कुल ठीक रेट है इनका। जो अगर ऑफ सीजन में आते हो, अगर एक डबल बेड वाला आप कमरा लेते हो तो उसकी कीमत है 1500 रुपये, और अगर आप सीजन में आते हो तो उसकी कीमत है 1800 रुपये। ऐसे ही जैसे जैसे बेडों की संख्या बढ़ती जाएगी आपके रेट बढ़ते चल जाएंगे। लास्ट कल हमने लेते दो रूम लेते 4 बेड वाले, उनकी कीमत थी 2500 रुपये पर रूम, और भाई काफ़ी नीट एंड क्लीन हाइजेनिक रूम थे बिल्कुल, और मतलब जो है हर सुविधा जो है आपको बहुत बढ़िया थी। और देख सकते हैं आप, व्यू देख सकते हैं यहाँ पर जो है इनके पास लगभग लगभग 20 से 25 कमरे हैं। इनके पास गाड़ी की पार्किंग की सुविधा भी है, यहाँ पर 3 से 4 गाड़ियाँ जो है इजीली पार्क हो जाती है। ये देखिए, ये है इनका विजिटिंग कार्ड, इनका फ़ोन नंबर है यहाँ का 9412995314। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, 9412995314। अगर आप आना चाहते हैं तो इनसे जो है कॉन्टेक्ट करके भी यहाँ बुकिंग करके आ सकते हैं। रूम की गारंटी है, रूम बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेंगे आपको, रूम सर्विस भी अच्छी है, हर सुविधा आपको यहाँ अवेलेबल है, गीजर भी है। तो मेन ऐसी ठंडी जगह पर आप आओ, आपको गीजर मिलना चाहिए, वो आपको यहाँ भर भर के मिलने वाली हर चीज़ें, गर्म पानी पीने के लिए मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी आपको। तो कभी भी आओ तो यहाँ स्टे करो, अदरवाइज़ जैसे आपकी जेब आपको अलाउड करती है वैसे रुक सकते हो आप। लेकिन ये बजट में बिल्कुल बढ़िया होटल है, और खाने का मैंने आपको पीछे मयूर का दिखाई दिया, उनका खाना बहुत बढ़िया है। अब भाई होटल भी हो गया, खाना भी हो गया, जगह भी दिखा दी, बाकी अब यहाँ चलते हैं भुल्ला लेक के लिए। तो फाइनली दोस्तों अब हम पहुँच चुके हैं हाँ भुल्ला ताल में, ये पीछे पार्किंग बनी हुई है, पीछे गाड़ी खड़ी कर दी है पूरी। उसके बाद ये देखो यहीं पे बना है बच्चों के लिए थोड़ा सा पार्क, भुल्ला ताल, ये भी लैंसडाउन के एक बहुत फेमस जो है लोकल टूरिस्ट प्लेस है। कभी भी आओ तो यहाँ पे भी एंजॉय करो बोटिंग वगैरह का। और ये सारा बताया था मैंने आपको, ये जो है आर्मी एरिया है, सारा कैंट एरिया है, और साफ सफाई यहाँ पूरे एरिया में अव्वल दर्जे की मिलेगी आपको। और इसी के पास है ये कालू डंडा कॉम्प्लेक्स, जहाँ से आप ब्रेकफास्ट चाय टी जूस स्नैक्स वगैरह का जो है आनंद ले सकते हैं। वेलकम टू भुल्ला ताल। अब भाई एंट्री देखना, एंट्री फुल हो साथ हो गई, इससे बढ़िया क्या लोगे। और तो भाई अब हम जो है यहाँ भुल्ला ताल लेके जो है टिकट ले चुके हैं, एक टिकट की जो कॉस्ट है वो है 150 रुपीज़ पर हेड, इसमें बोटिंग इंक्लूड है, और साथ में ये झूला है जो लेफ्ट में, ये झूला भी इंक्लूड है इसमें। बाकी जो भी एक्टिविटी अंदर की है अगर वो जो आप करना चाहते हो वो सब पेबल है। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ, करते हैं एंजॉय लाइफ का। कितने सारे रैबिट्स हैं, इधर कबूतर है देखो, फोटो में देख सकते हैं आप। यहाँ के ट्रेडिशनल जो ड्रेस है उसको पहन के भी आप फोटो खिंचवा सकते हैं, अपनी फोटोग्राफी करा सकते हैं। यह पूरे लैंसडाउन का जो है मैप, इसको आप वीडियो को पॉज करके जो है देख सकते हैं पूरी पूरे इस जगह को, कहाँ कौन सी चीज़ है, कितने डिस्टेंस पे है, सब दिख रहा है इसमें। ये देखो भाई सब इंजॉय कर रहे हैं इस झूले का। ओए झूला मम्मी
कहाँ से बंधा हुआ है? इस पेड़ से। कितना मोटा टहना है वो जिसमें बंधा हुआ है, देखो। सावन का महीना। अरे घूम क्यों नहीं रहा है? आगे सावन इतना ही आता है। सो जियारा रसू में ऐसे जैसे वरमाला। फैमिली साथ आओगे तो कहोगे भाई हाँ किस जगह आ गया। मेन है यहाँ की ये बोटिंग, और साथ में देखिए कितना सुंदर सा डस्टबिन रखा हुआ है। ये देखो भाई, बोटिंग करने से पहले जो है सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा जाता है। आपको लाइफ जैकेट दी जाती है पहनने के लिए, पहनाई जाती है। और यहाँ पर अगर इनकेस ऑफ कोई गिर जाता है पानी में तो बचाने के लिए भी पूरा लाइफ, ये देखिए सब चीज़ अवेलेबल है। तैराक भी आपके यहाँ अवेलेबल है। भाई प्रकृति की गोद में बुल्ला लेक में और बोटिंग करने में पूरा आनंद आ रहा है। ये देखो पैर तो जरूर दुखेंगे भाई। ये देखो भाई ब्यूटी, वाह। जो लेक है ये लगभग 20 से 22 फुट गहरी है। ये देखो भाई बोटिंग करने के बाद अब चलते हैं थोड़ा सा ब्रिज की ओर, और ब्रिज के स्टार्टिंग पॉइंट पे ही ये देखे गढ़वाली बुल्ला ब्रदर्स एंड सिस्टर, ये पहना हुआ है यहाँ का इनका। और देखो पुल की क्षमता है, एक समय में 10 व्यक्ति ही जा सकते हैं। तो कृपया जो इंस्ट्रक्शन लिखी होती है उनको फॉलो करें। ब्यूटीफुल जो है शैली में जो फ्लावर बनाया हुआ है बिल्कुल। अब चलता हूं मैं भी भाई फ्लावर पे। सौ में से 100 नंबर एंजॉय को। आप भी आओ, अपने घर से निकलो, अपनी फैमिली के साथ आओ, बच्चों के साथ आओ, यार दोस्तों के साथ आओ, निकल जाओ, कुछ नहीं रखा, घूमो फिरो, करो ऐस। बहुत ही शुद्ध हवा है, बहुत ही ज्यादा सुंदर अच्छे नजारे हैं, और बहुत ही ज्यादा लोकेशन जो है बहुत प्यारी है। अगर कोई हल्की बहुत बीमारी किसी को लगी हो वो भी दूर हो जाएगी। अगर यहाँ एक महीने रह जाए आदमी, बिल्कुल सांस का तो ऐसा हो रहा है ठंडी सांस बिल्कुल अंदर जा रही हो जैसा, बिल्कुल ऑक्सीजन फिल, ऑक्सीजन बिल्कुल बढ़िया, बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक। हाँ बहुत अच्छा, दिल कर रहा जाने का? हाँ बिल्कुल दिल कर रहा जाने का? नहीं नहीं जाने का नहीं कर रहा। हाँ
और ग्रीनरी। अब इस बात से अंदाजा लगा लो आप कि ये देखो पत्थरों में भी, पेड़ों के अंदर भी, ये देखो पेड़ के अंदर पेड़ 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 सारे में देखो कितनी ग्रीनरी है। इतनी ग्रीनरी भाई जिंदगी में मैंने या तो सिक्किम में देखी होगी या फर्स्ट नंबर पे। लेंस डाउन, वाह। और ये इस गार्डन के अंदर कितने छोटे छोटे से ब्रिज बने हुए हैं, कितने सुंदर आकार में। अब पानी देखे कितना नीट एंड क्लीन है, हर चीज बढ़िया है। तो भाइयों एक बात जरूर कहूंगा, देखो वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी लेकिन अंत तक बने रहना, एक से एक नज़ारे आपको दिखाऊंगा, गारंटी है मेरी। और भाई जिसने अपने भाई मलिक यारो के यार का चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने में कुछ घटता नहीं है, एक बटन दबाना सिर्फ सब्सक्राइब का, प्लीज़ सब्सक्राइब करो जिससे मुझे बढ़ावा मिले, मैं और अनेकों सुंदर सुंदर जगह आपको दिखाऊं। वीडियो पे कमेंट अवश्य करें, आप कमेंट नहीं करते। अरे मेरी कुछ कमी है तो मुझे बताओ भाई कि इस वीडियो में ये कमी है, जो भी बताओ उसको मैं दूर करने की कोशिश करूंगा, जितना मेरे से हो सकता है मैं उतनी बनाता हूँ। और वीडियो पर लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर करें। अब चलते हैं और आगे की तरफ। देखो इस पार्क में घूम के जो है फुल एंजॉय हो गया, पूरा मजा आ गया। अभी इस पार्क को करते हैं अलविदा टाटा, इसके बाद चलते हैं म्यूजियम के लिए और फिर आगे चलेंगे। हाँ परेड ग्राउंड, म्यूजियम, पाइनवुड कॉटेज वगैरह ये सब के सब, ये देखे यहाँ लिखा है कालू डांडा द्वार, यही पहचान है यहाँ की। चलते हैं म्यूजियम की तरफ। ये 1921, ये देखो ये आ गया युद्ध स्मारक, वार मेमोरियल, शहीद द्वार। और इस द्वार के जो है दोनों सिरों पे जो है राइफल 57 mm M18। भाई जो ये म्यूजियम है पीछे वार मेमोरियल है, ये जो है दो पैर में एक से तीन बंद रहता है और सुबह 8:30 बजे ओपन हो जाता है। अब टाइम हुआ है 1:10, हम सिर्फ 5 मिनट लेट हो गए और इसके अंदर वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने आपको बाहर से दिखा दिया थोड़ा सा। कभी भी आओ तो ये वार मेमोरियल को भी आप इंजॉय कर सकते हो, जिसका टाइमिंग है सुबह 8:30 से लेके और 1 बजे और उसके बाद शाम को 3 से 6, बीच में लंच ब्रेक होता है तो उस समय ना आए।
Turn.